तो कैसे सभी बिग बिस्ट ऑफिस से आ चुका है भैया अपने रेजिडेंट इवन के चैप्टर 5 के फोर्थ पार्ट के साथ। 18 तो नहीं 19वां पार्ट होगा जहाँ तक ये आई थिंक। चलो भाई उसकी कोई चिंता नहीं है, स्टोरी आपको स्किप करनी है तो टाइमिंग आ रही है भैया स्क्रीन पे, 49 पे स्टोरी हो जाएगी ख़त्म। जिनको स्टोरी नहीं पसंद है उनके लिए स्किप कर सकते हो तुम, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। और आज हम बात करेंगे भैया दीवानी के टॉपिक पे, क्योंकि तो खैर गेम तो मैं खेलता हूँ और जो बकचोदे में कह रहा है या चूतियापंथी पे रहता हूँ बातों में वो तो जारी रहेगी। साथ में हम थोड़ा सा कोई सीरियस या कह लो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जिससे अपनी नॉलेज भी बढ़ सके या समझ बढ़ सके। ना ही बढ़े तो कोई चक्कर नहीं भैया, इन्जॉयमेंट करने आई हो तुम, इन्जॉय तो करोगे ही। ठीक है जी, हम पहुँच चुके नई जगह पे किसी के जी, आपका सेट नकरा मेरे को तो। हाँ सच में के जी एफ का सेट ही नकरा देखने में, सोना साना निकाल रहे हो कहीं से। क्या था उसका आर्ट डिग्न को सोने का खोया हुआ शहर है, यही तो नहीं है वो कहीं? माइन बुइन सब लगा रखे पानी की टंकी टूंकी। तो आज हम बात करेंगे यार दीवानी के टॉपिक पे थोड़ी सी, क्योंकि अभी दीवानी अभी है तो ये दीवानी स्पेशल वीडियो बन रही है हमारी। ठीक है, क्योंकि यार देखो दीवानी मतलब क्या कह सकता हूँ मैं, हाँ दीवानी पे वो कह रहा था मैंने कि यार लोग पटाखे के लिए जो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, पटाखे जलाने से किसी को कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी सच में कोई दिक्कत नहीं है। पर यार उसके लिए वो क्या दे रहे हैं, वो जो रीज़न दे रहे हैं ना या माइंड सेट है जो उनका, उससे दिक्कत है मेरे को। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर अब कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट को, दुनिया को, इसराइल में बम बजाए जा रहे हैं, गाजा में वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, न्यूक्लियर बम फट रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। पर हमारे बम फोड़ने से दिक्कत है, एक दिन आता है दिवाली का उसमें भी बड़े फोड़ने से दिक्कत है। ठीक है भैया, जो ये एक्सक्यूज दिया ना इतना बेकार, इतना घटिया, इतना गिरा हुआ, भाई एक बात कहूँ हम में से अभी तक 1980 के बाद जो भी पैदा हुए, 1990 के बाद कह दो जो भी पैदा हुए, उन्होंने वॉर देखी ही नहीं है साफ कहूँ तो मैं ना। वॉर के टाइम इतना ऐसा मौज नहीं होता भैया जैसा हम लोग सोचते हैं, मैंने भी नहीं देखी सच कहूँ तो भाई, मेरी एज ही क्या है अभी। ठीक है, पर अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी होती है वोर भाई, वहाँ खाने पीने की इतनी कमी है, वोर बम गिर रहे हैं और जो बम फटता है ये दीवानी पे जो टाका कुकड़ी जो भी फाड़ते हैं, तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। जब असली बम फटता है तो गांड फट जाती है और कान के पर्दे भी फट जाते हैं भाई साहब, साफ सी बात है। ठीक है, एक्सक्यूज़ इतना घटिया दे रहे हैं कि भाई वहाँ पर बम गिराया जा रहा है, वो चल रही है दौड़ो वो वहाँ पर बहन के दौड़ो, वो चल रही है हमारे वोर, उनके पास कोई और ऑप्शन है बिना न्यूक्लियर बम के खेल देंगे वो, उन्हें न्यूक्लियर बम के वॉर चला देंगे वो, क्या चाहते हो तुम उनसे हाथ में हंसुआ लेके लड़ाई करे वो है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा भाई वॉर एक इज़ गुड थिंग, और ये देखो बड़ी माँ लेके बैठा हुआ है अपने ऊपर, उसकी माँ चोट दी हमने यहाँ पे, ज़ोंबी है ये, ज़ोंबी की माँ होती नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ वो सुन दिया भाई वहाँ पे हंसुआ लेके थोड़ी लगेंगे यार, आरी तनवार छोड़ लड़ेंगे भैया, न्यूक्लियर का जमाना है, न्यूक्लियर वॉर का जमाना है, न्यूक्लियर बम से ही लड़ेंगे। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है भाई कि तुम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो, मतलब इंसानों के पास ऑप्शन है इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हो। मैं भी पहले बजाता था प्रैक्टिस भाई, मैं नहीं कह रहा नहीं बजाता था, 5-6 साल नहीं बजाई हुई मैंने सबसे बात है, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, और जब मेरा मन करता था तब मैं ऐसे घटे से एक्सक्यूज देता था अपने को। ठीक है, टू रॉन्ग नेवर गेट्स अ राइट, ठीक है, दो गंदे चीज़ें कभी सही नहीं हो सकती भाई साहब, नेवर गेट राइट के जो मर्जी इंग्लिश मेरी थोड़ी सी समझ रहे हो, बोलने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभी ऐसे भी, अदरवाइज़ अगर मैं फ्लो में हूँ तो वही तो इंग्लिश में तो भाई मेरे से न्यूटन का चौथा नो भी जीत नहीं सकता, मर जा बहन चो तो मर नहीं रहा ये गंडवा सा, KGF में होनी चाहिए इसको तो, यहाँ से कर रहा है ये लोडू सा। अरे यार बड़ी माँ लेके बैठा हुआ है हाथ में, बड़ी माँ तो नहीं है वैसे चलो, पर छोटी बहन कह सकते हूँ उसको, टाइगर जिंदा है का वो है इसके पास। तो भाई तुम्हें तुम अपने उस व्यू बताओ उस पर अपने कमेंट पे। ठीक है, देखो यार गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, साफ सी बात है, उनके पास कार में घूम रहे हो, पॉल्यूशन होएगा आम लोगों के नाक में जाएगा,
गवर्नमेंट वाले जो भी है ये, ठीक है, नेता नौतन जो ये तो कार में घूमेंगे अपने एसी में, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता पॉल्यूशन से। अब देखना तुम्हारे जो भी मतलब ट्रैफिक में जाते हैं या बाइक पे है या तुम जा रहे हो अपने ऑटो वगैरह में, तो पॉल्यूशन का असर तुम पर दिखेगा सबसे ज़्यादा, भाई तुम ही अपने अंदर इनहेल करोगे। ये जो कह रहे हो ना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उनको नहीं पड़ता जो कार में घूमते हैं, और सबको फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट नहीं सबको फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं सिर्फ उनको फ़र्क पड़ेगा जो बिना उसके मतलब कार कूर में जा रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पर घूम रहे हैं ऐसे नंगा मुंह घूम रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। इन्वायरमेंट तो भाई देखो नुकसान होएगा ही, क्योंकि अब जो न्यूज़ आई है एक सर्वे के अकॉर्डिंग, साइंटिफिक सर्वे है ऐसा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भैया बर्फ़ पिघल जाएगी, ग्लेशियर जो है हमारा पिघल जाएगा 2030 तक। पर अगर न्यूक्लियर वॉर होती रही इसी तरह जैसे अभी हो रही है तो ग्लेशियर 2026 से पहले पिघल जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी जो 2030 तक बढ़ जाएगी। और जो प्रिडिक्शन की बात कहूँ मैं कि जो बताया गया है 2023 में 24 में 25 में 26 में 27 में 28 में 29 तक दुनिया आदि ख़त्म हो जाएगी, 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। देखो बहन जो दिवाली खत्म होगी पटाखे बजा रहे हैं लोग, पटाखे नंटा खराब है इनका, पता नहीं क्या बम बची होंगे या आपने ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे इनको, पता नहीं क्या चीज़ है, मैं नहीं बताता भाई, साफ सी बात है, मेरा मन भी करता है बजाने का, शो ऑफ करने का, लड़कियों को दिखाऊँ पड़ोसियों की गांठ जनाऊँ घूम जना दे, ठीक है, गर्मी में गया ऊपर देखे मैंने लड़कियाँ आस पड़ोस में अपने लहंगा लूंगा पहन के बड़ा तैयार होके, लड़के नहीं थे, लड़के भी थे मतलब उन्हें तैयार नहीं होते इतने ज़्यादा ना, एक्साइटमेंट ख़त्म है भैया। मैं तो ऐसे ही बस जैसे घर में था अभी, जैसे अभी भी उन्हीं कपड़ों में जो कन कपड़ों में था, घर में हूँ साफ ही पड़े हैं, लोअर पहन रखी है मैंने ब्लैक टी शर्ट है और उसके पास हाफ शर्ट पहन रखी है मैंने वाइट रंग की, बस आप भी उसमें ही हूँ, ठीक है। मेरा मन करता है मैं लड़कियों दिखाऊँ बहन तो गांड जनाओ इनकी कि तुम्हारे बाप से ज़्यादा पैसा है मेरे पे, तुम जितने के बम फोड़ते हो जलाते हो उतने तो मैं स्टार्टर में ख़त्म कर देता हूँ, ऐसा दिखा सकता हूँ मैं, पर नहीं, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे एक जो वो है डोगी है, फीमेल डोगी है, उन्होंने बिच कहना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बिच इज़ वर्ड फॉर गंदी लड़कियों के लिए, ठीक है, बिच कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, बिच वैसे भी गाली होगी ना एक, तो जो फीमेल डोगी है उन्होंने बच्चे दिए हमारे यहाँ मतलब हमारे पड़ोस मतलब घर के बाहर जैसे स्ट्रीट डॉग होते हैं ना उन्होंने, तो उसके 4 बेबी है भाई, अब पटाखे बजाऊँगा तो तुम्हें पता है उनके कानों में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है उनकी सुनने की ना, साफ सी बात सच में होती है भैया, तभी मैं बजाता नहीं ऐसे ही ना मेरा मन कर रहा, और हमारे घर में भी पैट है भाई, हम भी नहीं बजाते भैया, हम कंप्यूटर रहे थे वो तो उनको अंदर वाले कमरे में रखा हुआ जहाँ पे सबसे कम आवाज़ आ सके उनको, पर फिर भी सुनती है भैया उन्हें आवाज़, क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या बेकार के एक्सक्यूज है भैन चौथ, वहाँ बम फट रहे हैं तब दुनिया कोई नियंत्रण नहीं, हमारे एक दिन पढ़ाने से भैन चौथ फटेगी, गांड फटेगी तुम्हारी, जितने भी भाई देखो जो भी कांड करते हैं दुनिया में, ठीक है, कभी कभी तुमने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा बंदा है तुमसे अच्छा इतना तो जानते हो कि हाँ भाई इस बंदे ने कोई ऐसा कोई काम नहीं करा हुआ बेकार सा गंदा सा घटिया सा कि भाई इसको कोई सज़ा मिले, ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया तो कुछ अच्छे लोग भी मर गए, अब इंडिया में तो मजाक ही है कोरोना, साफ सी बात है कोविड मजाक ही था भैया, इंडिया में ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे नन्ना मुन्ना बच्चा है कोई शरारती करने आया है गांड मार के चला गया, उनको ही पता है भैया जिनके घर में किसी की डेथ हुई है, ठीक है, जिनके घर से कोई गया है उनको ही पता है भैया कोरोना क्या था कोविड क्या था, अदरवाइज़ सबके लिए मजाक था भैया, क्योंकि मुसीबत अपनी जो होती है ना वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है, दूसरे की मुसीबत दूसरों का जो वो होता है टेंशन होता है वो हम नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते दूसरा बंदा भी, चाहे आप अपने दोस्त को बता रहे हो या जिस मर्जी को बता रहे हो भोसड़े वाले को, वो अंदाज़ा लगा सकता है आपके कष्ट का, आपके दुख का, आपकी पीड़ा का, आपकी सफरिंग का, आपके सोरों का, आपकी पिटीनेस का, बट ही और शी विल नेवर गेट टू नो हाउ much you are suffer in your mind, understand, if you understand like the video, if you not subscribe the video channel like, चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ, तो भैया देखो मुसीबत जो होती है ना अपनी सबसे बड़ी लगती है ना, जो लंड होता है बंदे का वो अपने आपको सबसे बड़ा लगता है भैया दुनिया में कि हाँ भाई मेरा तो बड़ा है और मुसीबत भी मेरी बारी है, तो दूसरों का कोई समझता नहीं है, दूसरों का नंद देख के छोटा ही लगता है भैया सबको कि भाई इससे तो मेरा बड़ा है इसका तो मुझसे छोटा है, पर जो कह दे भाई कि क्योंकि कह भी नहीं सकते भैया सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, ठीक है, तो मुसीबत नहीं समझ सकता कोई तुम्हारे लिए, तुम जितना मर्जी डंडी रोना रहो अपना कि तुम्हारा ये नहीं हुआ तुम्हारा वो नहीं हुआ,
तुम्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई, तुम्हें कोई लड़का छोड़ के चला गया, कोई नहीं समझेगा, सारे मजाक उड़ाएंगे। ओहो अच्छा हुआ मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, समझ रहे हो बात को। वी लिव इन अ कूल वर्ल्ड, यहाँ पे किसी को कोई परवाह नहीं है, बेपरवाह दुनिया के बेपरवाह प्राणियों के साथ हम रहते हैं इस जगह पे। तुम्हारे माँ बाप है सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं तुम्हारी, अभी किसी कईयों को ये बात नहीं समझ आ रही होगी, जो छोटे होंगे नन्ने मुन्ने या जिन्होंने दुनिया नहीं देखी होगी उनको मेरी ये बात नहीं समझ आ रही होगी, बाद में समझ आएगी। अभी तुम कह रहे होंगे मन में, नहीं यार मेरे दोस्त है वो समझते हैं मुझे, चलेगा बाद में पता बहन की होगी, चलेगा बाद में, जहाँ पे दोस्त भी साथ छोड़ देगा वहाँ माँ बाप खड़े रहेंगे, ये बात याद रखना मेरी। पर अगर कोई तुम्हारे पास है ऐसा दोस्त है ऐसा तुम्हारा तुम्हारी सा या जो भी है कांडी कांड या जो भी है बेवकूफ़ सा दोस्त है जो तुम्हारे साथ खड़ा हुआ भी उस टाइम पे भी फैमिली की तरह, तो यू आर लकी इनफ, क्योंकि इस दुनिया में हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। क्योंकि कई बार भाई हम बड़ी मुसीबत में होते हैं ऐसी सिचुएशन में किसी को बता भी नहीं सकते, किसी को कह भी नहीं सकते, ठीक है। पर कुछ लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं, किसी को किसी को तो कहते ही आई मीन, क्योंकि दिमाग की जान चुरी होती है उस टाइम कोई समझने तुम्हें जितना 1% ही समझे तो बहुत है भैया, 100% कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि भैया देखो मुसीबत ऐसी चीज़ है ना, कई बार हमें लगता है कि ये बच्चा है जो वो क्यों रो रहा है सब पे, उसके मोम डैड नहीं है आई थिंक, अज्यूम कर लो ऐसे क्यों रो रहा है वो बच्चा कि उसके मोम डैड नहीं है इतने रो रहा है, या हो सकता है यार उसे भूख लगी हो उसने रो रहा हो। अब हम कोई उसको देख रहा है तो क्या ही अंदाज़ लगा पाएगा वो, हम क्या ही अंदाज़ लगा पाएंगे यार उसके भूख का या उसके दर्द का, ठीक है। दर्द सबका बड़ा होता है भैया अपनी नज़र में देखा जाए तो, अपनी नज़र में होता है दूसरों की नज़र में नहीं होता, वही कह रहा हूँ ना मैं देख रहा हूँ उसको या तुम देख रहे हो उस बच्चे को, अरे यार क्या यार ये दो रोटी के लिए रो रहा है, अरे क्या हो गया यार इसके माँ बाप नहीं है, और भी तो ऐसे दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है, वी आर जज देम, और एक खुशी सी भी होती है हमारे मन में के मन में होती है, अच्छा हुआ यार हमारी ऐसी कंडीशन नहीं है, अच्छा हुआ यार हम इस कंडीशन में नहीं है, भगवान का शुक्र है हम इस कंडीशन में नहीं है, और हम कहते हैं कि भगवान उसकी मदद करे, या इसके कर्म हैं अपने जो वो कर रहा है या रो रहा है जो भी पिछले जन्म के कर्म होंगे जो मानता है, जो नहीं मानता वो कहते हैं यार मेहनत करके कर सकता है ये, है ना, कहीं काम करने छोटा मोटा छोटू है चाय वाला छोटू बन जाए, ऐसी बातें आती हैं हमारे मन में ना, क्या करें। वी लिव इन अ सेल्फिश वर्ल्ड, बहुत ही बेमतलब सी दुनिया में रहते हैं हम, जहाँ पे लोग दिखावा करते हैं अच्छा होने का, सब सोचते हैं कि मेरे पे ये आ जाए मेरे पे वो आ जाए, दौड़ा नस्तन बहन का दौड़ा कंडा गुंडा नंड बहन चंद, तब मैं उसकी मदद करूँगा, तब मैं उसकी मदद करूँगा। दिवाली पे कितने जनों को तुमने पटाखे दे दिए, मदद तो हम या कोई भी हम सभी कर सकते हैं मदद, हमेशा एक टाइम होता है, एक हर दिन हमें भगवान मौका देता है ऐसा कह दूँ तुम, या हर दिन हमें यूनिवर्स मौका देता है किसी की मदद करने का, पर क्या हम करते हैं, कॉलेज में हो तुम स्कूल में हो तुम खाना खा रहे हो बैठ के आराम से, कोई होगा तो एक बंदा होता है हमेशा इस पूरे उसमें बैच में, अगर सोच कौन कॉलेज में हो या कौन जॉब कर रहे हो कहीं पे जो सर्दी हो ओके सब ठीक है ठीक है, तो होता भी हर एक बैच में या तुम्हारा कलीग है कोई वो कंधा इकट्ठा हुआ है या उसके घर में कोई दिक्कत है, जैसे मैं स्कूल का बता दूँ अपनी कि भाई हमारे क्लास में कभी ना कभी ऐसा होता था भाई, बस हमारे यहाँ हुआ नहीं ऐसा कभी, मौका नहीं दिया हमने कभी ना किसी को, क्योंकि मोस्टली बंदे अच्छे थे कि खाना खा रहे हैं कि कभी कोई नहीं लेके आया खाना, या किसी के घर में टाइम नहीं बनता मम्मी को खाना बनाने का, या सिर्फ रोटी रोटी बन जाती है सब्जी बनाने में टाइम लगता है, किसी को टिफ़िन नहीं होता था कि सब्जी पा के ले आ सके, सूखी सब्जी है तो नहीं आए भाई तरीवाली नहीं कह सकता था वो, वैसे टिफ़िन नहीं था उनके पास,
मैं ये नहीं कह रहा यार कि उनका परिवार इतना गरीब था या जो मर्जी, ये सब बातें यार वो है, किसी भी चीज़ को ना रजिस्ट करने की बातें हैं सारी। रजिस्ट आई मीन कि भाई तुम यार उसकी मदद करने जाते यार, एक तो जैसे तुम कह रहे उस बच्चे को देख के कि यार ये कमा सकता है, काम करने क्यों रो रहा है, ठीक है उसके बाद नहीं मुसीबत छोटी है ना, हम नहीं आता अभी हम बुला देते थे उसको, हाँ भी आता यार खा लो हमारे साथ खा लो, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है कि भाई हमेशा, फिर तो ऐसा हो गया कि ग्रुप ही बन गया हमारा, तो हम सब कौन जो भी कोई नहीं कहता था भाई, किसी के परोठे उठा लिए, किसी की रोटी उठा ली, कोई सब्जी सब्जी लेके आया भाई तो हमने उसकी सब्जी उधेड़ दी, कोई आलू के परोठे लेके आया हमने आलू के परोठे उसमें दे दिए उसने हमारी, मतलब क्या कह सकते तू कि शेयरिंग इज़ केयरिंग वाला सिस्टम चल रहा सारा, ठीक है। ऐसी ही होती है दुनिया, हर टाइम हर एक दिन तुम जब निकलते हो कितने स्ट्रीट डॉग्स को देखते हो तुम, कितने स्ट्रीट डॉग को देखते हो तुम, उनको पार्ले जी बिस्कुट दे सकते हो जो मर्जी, पर नहीं ना, कईयों को अच्छी नहीं लग रही होगी वीडियो या जो मर्जी कही, मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब बातें पसंद है नहीं। एनिमल अब्यूज तो हो ही रहा है आज के टाइम में हमारे पास, और ज़्यादा ही हो रहा है। अब मैं कहता हूँ अभी भगवान के नाम पे बोल नहीं सकते इंडिया में ज़्यादातर, धर्म के नाम पे जो मर्जी, पर एक बात तो देखो जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है, ठीक है, केदारनाथ, ये वैष्णो देवी हो गया, यहाँ पे जानवरों का कितना वो हो रहा है, बस या जो मर्जी कह लो, अन्याय कह लो, जो इतना वो हो रहा है, 24 घंटा उन्हें काम करवा रहे हैं गधों की तरह या जो मर्जी, वीडियो तक आ रही है तब भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा भाई। देखो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं हुए तो धर्म के नाम पे वो कह देते अभी हमारी नौकरी चली जाएगी यहाँ पे वहाँ पे, जैसे अभी कुछ साल पहले वैष्णो देवी में ऊपर तक ऑटो नहीं जाने का वो रोड वाड सब बनवाया या जो मर्जी, तो भाई वो बैठ के धरना दे के, वो खच्चर वाले बैठ के भी धरना दे के कि अब हमारा काम छिन जाएगा ये वो, तो वो एडिट ड्रॉप करना पड़ा। और ठगी सबसे ज़्यादा है ऐसी ऐसी जगहों पर होती है, सामान महंगा है मैं मानता हूँ, चलो कोई नहीं भाई ऊपर है पहाड़ों में तो इस वजह से सामान महंगा है, ठीक है। पर भाई पूजा पाठ के नाम पे अगर तुम यहाँ चले जो जहाँ पे पिंडदान करते हैं यहाँ पे भाई लूट रहे हैं लोगों को पड़ेगी, 100-1100 तो बूंदी जाओ तुम दे के, अगर तू वो करवा दोगे तुम थोड़ा सा, ठीक है, एक दो मंत्र बोल दे कि इतने पैसे मिलते हैं, और पिंडदान के लिए यहाँ चले जो तुम पे वचने जो वहाँ पे कितना वो हो रहा है, ठीक है। पैकेज है वहाँ तो भैया 16,000, 21,000, 42,000, 44,000, 1,20,000, 1,40,000, और ये बनी हुई है सबकी टीम में बनी हुई है जो भी वहाँ पे है, कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारा 1-2 हज़ार में भी कर देगा ना, टीम में बनी हुई है, ठीक है। तो इतना सब कुछ हो रहा है क्या ही, आगे दूसरी तरफ वो लोग भी अभी जो करते हैं मदद करते हैं अपने हो सके जितना उतने करते हैं, उनको जानता नहीं है कोई, मैं झूठ नहीं कहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों को कोई नहीं जानता अभी जी, भगवान के नाम कोई नहीं जानता, साफ सी बात है, किसी को जान गए तो जान गए भैया, नहीं तो किसी को देना देना नहीं है। अभी मैं बकर रहा हूँ यहाँ पे भैया, मुझे पता है वीडियो आके देख के देखते चले जाएंगे भैया, लोग बोर हो जाएंगे कि भाई हम तो यहाँ मजे के लिए आए थे, गेम देखने के लिए, देखो यार गेम देखो कोई चक्कर नहीं, आई नो चले जाएंगे कुछ लोग, बट जब कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद जब मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लोग आएंगे देखने भाई कि हाँ भाई पुरानी वीडियो कैसे बनाता था, बिग बीस्ट कैसे वीडियो बनाता था कैसे वीडियो, और तुम देखेंगे वो मेरा ज्ञान चोर पेन था यहाँ पे जो मैं पहन रहा हूँ, ठीक है। पर यार ऐसी टॉपिक जो बोल रहा हूँ मैं या जो मर्जी, ठीक है, दीवाने पे शुरू करा था वैसे मैंने, पर कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, लिखा नहीं हुआ ना मैंने यार, लिख के रखते हैं कुछ लोग पहनने से, बट मैंने नहीं लिखा हुआ, लिखता ही नहीं मैं कभी भाई, टाइम जाता है इतना, जो मन में आया बोल दो भैया, दिन खुला हो के मतलब दिन खोल के मुँह खोल के बोल दो बस, ऐसी भी ऐसी नेचर है मेरा, जब मैं मन में मन में जो भी आता है ना बोल देता हूँ मैं,
जिस वजह से कभी कभी इन लोगों को बुरा भी नजर आता है। कोई चक्कर नहीं लगे बुरा, इंटेंशन तो मेरी सही है मुझे पता है। और वैसे भी अरे हाय मक्खन तरह उठ रहा है सर इनके, अरे जिंदा है ये, अरे जिंदा है, चलो मर गया। बंदूक अच्छी है वैसे ही सर, उठ रहा है तेरा जिंदा जिंदा ए गोलियाँ ख़त्म हो। देखो अब देखते हुए क्या होता है क्या नहीं, सज़ा मिलेगी भाई उसको। मैं कहना ये चाहता था कि वो तुमने देखा ना कि हाँ घून के साथ घूमी पिस्ट है, तो दुनिया ख़राब नहीं होती भाई। देखो दुनिया ख़राब होती है दोनों से, अच्छे लोग भी करते हैं बुरे लोग भी करते हैं। अच्छे लोग बुरे लोग पता नहीं कैसे करते हैं बुराई करके, अच्छे लोग करते हैं चुप रह के। सज्जन पुरुष का मौन हानिकारक होता है देश से ना, समझ रहे हो ना बात। कोई बुरी बुरा इंसान बुराई करे उससे ज़्यादा एक अच्छा इंसान जब चुप रह जाता है ना भाई, वहाँ पे वो होता है, वहीं शुरू होता है दुनिया का विनाश। साफ सी बात रहेगी और हो भी रहा है, तुम देखोगे आगे। वेस्टर्न कल्चर जो अपना रहे हैं ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये वेस्टर्न कल्चर है। मैं वेस्टर्न कल्चर कह दो या रंडी बन कह दो इसको, ये वही है बस, साफ सी बात है ठीक है। अब भाई छोटे छोटे बच्चे तुम देख रहे हो यहाँ पे भैनचोद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हमारे टाइम में भैनचोद आठवीं में हम मिट्टी में खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, वो गिंडी डंडा बैट बोन से खेल रहे हैं, और ये बहन के जोड़े नंडे चुच्चू से खेल रहे हैं इस उम्र में। तो क्या लगता है भाई इस हिसाब से, तो भाई जो वो हमारे पूर्वजों ने जो वो रखा था चाइल्ड मैरिज का सिस्टम, भाई वो भी ठीक था, बाल विवाह करवा दूँ बस, बाल विवाह भी ठीक रहता है भाई, एक पे कॉन्सेंट्रेशन रहता है ठीक है। घर में पड़ी हुई है लड़की ठीक है, शुरू से हमारे साथ ही गुंदड़ की साफ सी, पहली बात तो ये प्रॉफिट हो गया। अब तो भाई लोगों को इतनी टेंशन हो गई है भाई कि लड़की संबंध कोई नहीं निकलेंगी, तो सीन टूटी हुई मिलेगी उसकी ठीक है, सीन पैक नहीं मिलेगी गुंदड़ की तमें ठीक है। इतनी टेंशन हो रही है लड़कों को बहन जो इसी बात में है, इसी चक्कर में सब गर्लफ्रेंड बना चाहते हैं शुरू में ही ठीक। लड़कियों को टेंशन नहीं है इसकी, सीन लड़कों की सीन होती नहीं है, साफ सी बात तो है। वर्जन अर्जन वो सब बेकार की बात लड़कों के मैटर में ठीक है। एक तो वो वीडियो हो गया सीन पैक में लड़की बन गई शुरू से तुम्हारे साथ है ठीक है। अब बचपन से साथ होती है ना, कच्ची उम्र से लड़की साथ होती है, लड़का लड़की साथ होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है भाई उनके हिसाब से बात है, और लड़ाई लड़ाई का कोई पंगा नहीं है ठीक है। और बाद में लड़की समझदार हो जाए, समझदार तो वैसे भी हो जाती है लड़की घर में है या जो मर्जी जैसे मर्जी कह दो तुम। मैं ये नहीं कह रहा भी उनको आजादी मत दो, पढ़ने लिखने मत दो, जाओ भाई साथ में जाओ पढ़ने जाओ ठीक है, साथ में एडमिशन कराओ। लड़का लड़की का मॉडर्न हो गया, पहले नहीं पढ़ने देते थे, पढ़ने दे रहे हैं, तो भी पति पत्नी साथ में जाएगा अपना वहाँ पे ठीक है, पढ़ाई में भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सब सी बात है। घर में तो है ही साथ में, वहाँ भी साथ में है पढ़ाई करने में, वहाँ पे भी ये नहीं है कि चीटिंग या चीटिंग जो भी हो रही है, शुरू से साथ है, कॉन्सेंट्रेशन सही रहता है बंदे का ठीक है। अब तुम है वो या हम है भाई ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन रखता है भाई, एक लड़की पे जाए दूसरी लड़की पे जाए या लड़की किस चार जने पे जाए, मुँह मारे इधर उधर ही, जो लड़का मुँह मारे इधर उधर, दोनों के बारे कह रहा हूँ। कमेंट में बकचोदी मच्चो होता ना कोई बहन का लोड़ा, तो कॉन्सेंट्रेशन सही रहता है, करियर सेट हो जाएगा बस, शादी की टेंशन हाई नहीं है। चाइल्ड मैरिज होगी तो चाइल्ड मैरिज सही थी भाई, इस हिसाब से जिस हिसाब से आज के टाइम में रंडी बंद कर रहे हैं लोग ठीक नहीं है। यानी क्या बहन जो वेस्टर्न कंचर रंडी रंचर है बहन का दौड़ा, और एक वो कोर्ट ने वो कर दिया अफेयर कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकते हो, देख रहे हो कितनी अच्छी बात है भैया। कैसा रहेगा तुम्हारे माँ बाप का अफेयर चल रहा है बाहर तुम्हारा है, ये अच्छी बात है कोई। जज होगा या जो मर्जी जिन्होंने भी करा भाई फैसला फूसला, वो होंगे भाई बिग सिटी के, बिग सिटी में चलता है ये, मुंबई चंडीगढ़ है यहाँ चलता होगा भाई अफेयर, एक्शन मैटर अफेयर चलता होगा, पर इनसे घर भी टूटते हैं याद रखना ठीक है। जब भी भैया चीटिंग चूटिंग होती है ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में चीटिंग होती है या तीसरा बंदा आता है टूटती जरूर है भैया, वो चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो, ये तो वो है फैक्ट है, दोस्ती हो चाहे प्यार हो तीसरा बंदा आता है तो टूटती जरूर है,
घर में भी कई बार हमें एज अ क्या कहते हो, चाइल्ड कह दो या भाई बहन कह दो, ठीक है, जनन होती है जब पेरेंट्स एक 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 ही बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं पूरा, तो दूसरे को जनन होती है भैया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हर रिलेशनशिप में होता है, जो दो दोस्त हो, चाहे लड़का लड़की हो या लड़का लड़की हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़का हो, ठीक है। लड़कियों लड़की आती भी जो तब भी जन्म होती है भाई, लड़का आता तब भी जन्म होती है भाई, ठीक है। दोनों में हो, चाहे दोनों में दोनों आ जाए, चाहे दोनों में एक आ जाए। और ऐसे टूटेगा घर, टूटेंगे, ठीक है। घर टूटे, घर से बनती है फैमिली, फैमिली से बनती है सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है गांव, गांव से बनता है शहर, और बहुत सारे शहरों से मिलके बनता है एक देश, ठीक है। और टूटेगा ऐसे, चलो कोई नहीं, आज की रात की नहीं होगी, इतनी वक्त होगी, ठीक, 25 मिनट की होगी भी रिकॉर्डिंग। आज मैं इतना बोल गया भाई एक बार में, वाह भाई वाह, इतना बोल सकता हूँ मैं, मुझे पता था मैं बोल सकता हूँ इतना, तभी मैं चुप रहने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वंस आई स्टार्ट देर इज़ नो स्टॉपिंग मी, जब तक तो कोई कहने दे बस वही चुप हो जा। अब नहीं कहते ऐसा है, क्योंकि अब तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे चुप रहना है कहाँ पे नहीं। और मतलब मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी है ऐसा, पहले मैं इतना मतलब बोलता ही रहता था, मतलब मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे चुप होना है कहाँ पे नहीं। अब मुझे पता है कि भाई कहाँ पे चुप होना है कहाँ पे नहीं। और ये भी कि हर एक बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर एक मैसेज का रिप्लाई देना ज़रूरी नहीं होता हमेशा, और हर एक बात के ऊपर बहस करना भी ज़रूरी नहीं होता हमेशा। अगर कोई कह रहा है कि वो तुम्हारी बात पर एग्री नहीं करता, तो उसको कहो भाई भाड़ में जाओ, अपनी गांड मरवाओ, ये है मेरा मोटो, ठीक है ना। मेरे मन से आता है ऐसा, मेरा मन ऐसे ही बन गया, मजाक मजाक से ना, दिमाग में मजाक चल नहीं रह गया, जो मर्जी ऐसा नहीं, गुंडा गुंडा से भी आ गया कभी, एंग्री बर्ड भी बन जाता हूँ मैं, पर दिमाग में मजाक अपन रहता ही है मेरे थोड़ा बहुत। मैं नहीं मानता, मत मान भाई मत मान, मैं तो साफ कहता हूँ मैं जो मर्जी हूँ अपने मुँह से, मेरे मन में दिमाग में ही चल रहा था भाई, भाड़ में जाओ अपनी माँ चुदाओ, भाड़ में जाओ अपनी गांड मरवाओ, भाड़ में जाओ अपना दंड कटवाओ, भाड़ में जाओ अपनी चूत मरवाओ, बस बात ख़त्म। ये है मेरे जिंदगी कुछ रूल जो मैं आपके शेयर कर रहा हूँ एज अ बिग बीज यूट्यूब गेमिंग चैनल। सब्सक्राइब करना है बहन के उन दो तुम्हें, और नया क्यों नहीं कर रहा है कोई वीडियो में, समझ नहीं आ रहा। चैप्टर इज गोइंग टू एंड, 5-4 है ये, 5-5 आखिरी है बस, आज मैं एड कर रहा हूँ ये चैप्टर। आज है तारीख भैया 13 नवंबर, 6:15 हो रहे हैं शाम के, और शाम के टाइम धूप नहीं निकलती है, नहीं निकलती है भाई, साफ सी बात है, अंधेरा हो रखा है, दीवानी का अंदाज़ ही नहीं। ये सीरीज़ ख़त्म होएगी तब देखूंगा अभी नई सीरीज़ शुरू करने की, वैसे जो उसमें एक और गेम पंदे है लड़की वाला, तो मैं वो सोच रहा था वो भी कर दूं या रेडी टू डिट या जो मर्जी, पर रेजिडेंट इवल 4 2005 इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड गेम, मैं इसने खेल रहा हूँ कि भाई मैंने मैं तो